लकड़ी लगायो, इसमें खराब लकड़ी लगा दियो। भाई जान ही नहीं दे रहे। जब मैं रहा करो साथ में तो स्विच ऑफ करा करो, समझ रहे तुम बदतमीज लड़के। हाँ जी गाइस, तो गुड मॉर्निंग, राम राम भाई सभी को। और अभी मॉर्निंग के बज रहे होंगे कितने, 6:30, 7:30 बज रहे होंगे सॉरी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि बोडा को ना कुछ सामान लेके आना है। तो हम लोग निकल देगा सुबह सुबह बैकुंठपुर, और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये वाली पुरानी वाली है, ये नई वाली है। ये मम्मी अनबॉक्सिंग कर दी, हटा दियो अच्छे से। भाई मेरे घर में ना बेडशीट नहीं रहती, हमारे घर में ये नॉर्मल चादरें डलती हैं गाड़ियों पे सीधे सीधे। अब इसको स्टार्ट करता हूँ भाई, इसको चलाने का ना अलग ही फील आता है, समझ रहे हो। ये लो, काफी पुरानी गाड़ी है, 7 साल हो गए। सुबह सुबह आज बहुत प्यारी धूप है, लेकिन गर्म पड़ी, ठंड पड़ी है भाई, लिटरली भाई बहुत ठंड है। पता ठंड कैसी है कुछ बताएगा? मुझे ठंड लगती है भाई, जानवर यार, इसको सच में ठंड नहीं लगती, मजाक से हटके, इसको सच में भाई 1% ठंड नहीं लगती है। मैं कांप रहा हूँ, नाक वाक सब रेड हो गई होगी, लेकिन भाई इसको ठंड नहीं लगेगी। और आज इतनी प्यारी, जितनी प्यारी धूप निकली ना भाई, उतनी प्यारी ठंड भी है। देखो ना कितनी प्यारी, मस्त, बहुत प्यारा मौसम भाई। हम लोग जा रहे हैं पहले बैकुंठपुर, इसको भाई थोड़ा सा वो लेना है, क्या लेना है, अपने बैठने के लिए इसको कुर्सी लेनी है। इसने अपने बैठने के लिए एक प्यारी सी कुर्सी बनाई है, क्योंकि भाई ये थोड़ा बैठता उठता ना, इसको पिछवाड़े में प्रॉब्लम होती है, दुखता है थोड़ा पिछवाड़ा, भाई दुखता है भाई थोड़ा पिछवाड़ा। तो इसको ना थोड़ी सी, एक छोटी सी अपने साइज की, दिख रहा तुम लोग को, दिखाऊंगा भाई कितनी छोटी इसने बनवाई चेयर, देखना। और आज हम लोग के साथ एक और भाई आया है, ये भाई गाइस, बहुत ठंड है यार, मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। ये डाल दूंगा मैं, ये पूरा ब्लॉग में डाल जाएगा। तू कौन सी वाली कुर्सी है? ये बनी है, ये फटी पुटी वो से बनाने का, ये पॉलिश करे पुटी ना लगी, बड़ी मजबूत चीज है, देखी बैठी पहले, बोटा बैठ के देख जरा, बैठ के देख ले। ये जुगाड़ से बनाए क्या इसको? दरार मार दी उसमें, नहीं नहीं ये कौन सी लकड़ी लगी है? आम की लकड़ी है, आम बमूर की मजबूत की लकड़ी लगी। अब यह पुट्टी या पॉलिश अंकल जुगाड़ जुगाड़ से बना दिया है, इतनी मजा आएगा। अरे भाई हाँ, तो चाय पानी, अरे भैंस की आंख, चाय पानी लाई जाएगा इस, जाओ बड़ा लेके आओ, उठने के पहले तक लिया कर दे। लेकिन इसमें पलथी मार के ऐसे बैठेगा रे, ऐसे ऐसे बैठेगा, चौड़ी कम, चौड़ी कम है, पलथी मार के बोले थे ना कि इसे पलथी मार के बैठना है। अंकल इसे पलथी मारते नहीं बैठेगा, मैं तो हालांकि छोटा सा बच्चा हूँ, वो 6 फीट के हैं। आदमी कहाँ बनी, ये तो अपना सेम बना दिया, तीन बड़ी वो सोफा टाइप में बना दियो, जैसे वो साइज पड़ा हुआ है इसका। चाय पानी लगता नहीं आई गाइस, पोपट हो गया यहाँ पे। ऊंचाई ठीक है, ठीक है, चौड़ाई है, चौड़ाई बस चाहिए, समझ गए। ये देखिए मैं ऐसे बैठा हूँ ना, ये इतना आप कर दो, मेरे घुटने यहाँ तक आए आराम से, समझ रहे हो आप भाई। ये बाकी सब कुछ सही, बस इसकी चौड़ाई बढ़ा दो आप, और लकड़ी थोड़ा फिनिशिंग वही लगाओ, ये दरारे वरारे ना रहे, जैसे वो सोफा में आप अच्छी लकड़ी लगाए हो, इसमें खराब लकड़ी लगा दियो। लकड़ी बढ़िया लगी नहीं, अब वो वाई लगाएगा जो चिकनी चिकनी रहे। गाइस तो घर आ चुके हैं, और मम्मा खाने में क्या बन रहा है बताइए। घर ही बन रहा है सुबह सुबह फोहा, नो फोहा, मम्मी ढेर सारा पैसा दो। अल्लाह मजाक लग रहा है भाई, पैसे घर वालों से मांगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता भाई। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रिप सोच रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिप कर ली जाए, घूम आया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं घूमा नहीं भाई कहीं पे। अभी देखना पैसे मांगूंगा ना, पैसे मांगा ना, अभी देखना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, अभी देखना वापस आएंगे फिर से बोलूंगा ना, कहाँ है पैसे, ऐसे बोलेंगे पैसे दो, पैसे मम्मी पैसा दे दो, पैसा हाँ ठीक है, कितना
कितना चाहिए? 5,56,00,000 रुपए। ठीक है। कहाँ है? मम्मी को पता है, हवाबाजी कर रहा है इसलिए भाई। हाँ हूँ, हाँ हाँ। 5 करोड़ देखियो कभी लाइफ में? सच में 56,00,000 देखे हैं ना टीवी में। 10,00,000 टीवी वो सब देखे हैं। 10,00,000 नहीं देखा भाई साहब। भगवान करे तुम्हें भगवान जल्दी दिखाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा 5 करोड़ रुपए और 10,00,000 रुपए। हाँ, 10,00,000 की मैं तुमको सीधे सीधे ना सुनो सुनो, हाँ, 10,00,000 की सीधे सीधे कार गिफ्ट। हाँ, ठीक है। ठग लाई। मेरा प्लान है कि आज शाम में नॉर्मल दोस्तों के साथ चिल मारने जाया जाए। इसलिए बहुत दिन नहीं हुआ, बस मुश्किल से मेरे को लगता 7 से 8 दिन हो गया है फ्रेंड लोग के साथ कहीं पे गया नहीं, और शाम में उनके साथ बैठने में मजा भी आता है। तो आज मैं कोई अच्छी सी पीसफुल जगह पे जाऊंगा उनके साथ और थोड़ा सा चिल मारेंगे, इन्जॉय करेंगे। प्यारा सा सनसेट देखने का मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि जो सनसेट की बात और सनराइज की बात आती है ना, लिटरली मेरे को बहुत पसंद है। तो ये सब खाएंगे, फिर उसके बाद शाम में प्लान बनाऊंगा। डायरेक्ट अब शाम में ही निकलूंगा आराम से, है ना मम्मा? और मैं घूमने जा रहा हूँ, बढ़िया सनसेट पॉइंट है ना। हाँ जी गाइज, तो देखो गाड़ी क्या चमक रही है, कल से यहीं पे खड़ी है, मार्केट बस गया था। चलो भाई निकलते, लेट नहीं करते, अभी चलते हैं भाई अपना सनसेट देखने के लिए। और गाड़ी फाइनली साफ सुथरी है। लो भाई, गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, अब निकलते हैं भाई बाहर की तरफ। और आज मस्त धूप निकली है, ठंड भी थी ना मॉर्निंग में, तो अभी की धूप ना मेरे को ना काफ़ी अच्छी लग रही है। क्या मस्त मौसम है भाई। अभी आगे अपने को मिल जाएगा मुकेश, एंड मुकेश के साथ फिर अपन निकल लेंगे अपने सनसेट व्यू पॉइंट पे। और उतना खास नहीं है, बट ये है ना कि अच्छी खामोशी वाली जगह है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है वहाँ पे, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। और लाइफ में थोड़ी सी शांति भी भाई बहुत ज़रूरी है, लाइफ में शांति होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। मार्केट में भयंकर रिएक्शन मिलता है गाइस, अब तो नहीं मिलता है, जब स्टार्टिंग में नई नई गाड़ी आई थी ना, थोड़ा बहुत लोग देखते भी थे कि क्या है, कौन सी गाड़ी है ऐसा करके, क्योंकि कलर इसका थोड़ा यूनिक सा लगता है ना। बट अभी इसको भाई ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं मिलते हैं। तो भाई अभी निकल चुके हैं मार्केट से, ये बोड़ा भी मिल गया, बोड़ा भगा के गाड़ी ले जा रहा है। मेरे से रेस लगाएगा तू, मेरे से रेस लगाएगा बोड़ा। ये ब्लॉग अगर तू देख रहा है बोड़ा, तो सुन, मैं तेरे से आगे निकल सकता हूँ, लेकिन मैं निकलूँगा नहीं, तेरे को बिजती फील होगी। और छोटू भी आ गया है, बोड़ा भी आ गया है, नॉर्मल जाएंगे वहाँ पे, चिल मारेंगे, बैठेंगे आराम से। ओए छोरे हेलो कर दे, हेलो। यहाँ से अपन ले लेंगे भाई लेफ्ट, ये भी रोड थोड़ा ऑफ रोड है, ऐसा समझना कि रोड ख़राब है, आगे चल के बहुत अच्छी रोड है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ से गाड़ी आप ऐसे भगा सकते हो टर्निंग्स में, तक एकदम ऐसा सीधी रोड है, मस्त भगाने में। थोड़ा इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाए फिर भगाऊंगा मस्त इसमें। ऐसा नहीं है कि भगा नहीं सकता हूँ, भगा सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि यार नई नई गाड़ी है, इंजन अभी उतना लय में आया है नहीं, इंजन का फ्लो बना नहीं है, इसकी वजह से मैं इसको नहीं भगा रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो इसकी भी तो टॉप स्पीड में देख लिया होता कितनी है इसमें। हेलो जी भाई, थोड़ा सा और बचा है, बस लगभग पहुँच ही गए हैं। और सीरियसली बताऊँ तो बहुत प्यारी जगह, देख लो ऐसा माहौल है कुछ इधर का, इसको आप बोल सकते हो कुछ खुफिया जगह है, जहाँ पे वो प्यार भरे पंछी आते हैं यहाँ पे भाई, ऐसी कुछ रोडें हैं यहाँ पे सीधी सीधी सी। यहाँ पे बारिश के टाइम पे ना भाई अलग ही माहौल होता है, हर तरफ ग्रीनरी होती है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं ना वो एक्चुअली क्या है ना, पावर हाउस है, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो बहुत प्यारी जगह है। लास्ट टाइम जब आया था तो मैं शाम के टाइम पे आया था, तो मेरे को यहाँ पे सनसेट बहुत प्यारा लगा था, तो मेरे को वही देखना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, ये धीरे धीरे महाराज वहाँ पे डूब जाएंगे। यहाँ पे शायद से गेट है यहाँ पे, इससे पहले जब वाटरफॉल खुला था तो कौन सा खतरा था? वो जब खुला था तो मेंटेनेंस था। अच्छा, नहीं उधर नीचे नहीं जाएंगे अपन,
गाड़ी पार्किंग था और वो सब व्यवस्थाएं थोड़ा अब तो अरे उधर नहीं। अरे यहीं पे पास में ये यहाँ पे व्यू पॉइंट आए थे 2-3 साल पहले याद है। तो यहाँ पे ठीक है, नीचे नहीं जाना अपने को। लोग आते जाते रहे, हम लोगों का भी मन लगा रहता है। समझ गया मैं, है ना, समझ गया। अभी जंगल में अकेले अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हो गया बंद है कोई भी, वही नहीं। अरे 5 मिनट का था बस, नॉर्मल जाते कुछ बैठ के वहाँ पे सनसेट देख के लौट आते। भाई जान ही नहीं दे रहे। साइड करो, साइड करो। दिल्ली नहीं है, घर में काम लगा है ना। मैं बोला था कल धुलवा ले, तो कल धुलवाया नहीं, तो तुम्हारी मस्त चढ़ी थी। बहुत गर्मी ये चाल, गर्मी लग रही। भाई अभी एक कांटे वाली जगह पे घुस चुके हैं, और इधर से हम जाएंगे ना उधर एकदम एंड पे जाएंगे, क्योंकि उधर साइड ना अंकल ना गेट से जाने नहीं दिए हम लोग को। भाई होगा परमिशन वगैरह क्या इशू होगा, बट अरे यार ये वाले घास ना भाई पैर में दुख लगते हैं यार। ये जो है ना ये वाले, ये पैर में लग जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो सन ऐसा दिख रहा है ना, उधर जाके और प्यारा लगेगा, बहुत मस्त लगता है भाई। वो पहाड़ एक पता है क्या, साफ ही रहता है। अरे सब रहे, अरे मोर नहीं दिख रहे हैं अभी, अच्छे अच्छे मोर दिखते हैं। वो परसों पता है वो सीता मार का बच्चा मारा था, कहाँ उधर बाढ़ के पास वहाँ से, बहुत खतरनाक है। मैं पता है यहाँ पे आज से हाँ 1.5 साल पहले समथिंग आया था। जानते हो ये जो पेड़ है ना, ये अभी कुछ उग आए हैं, पहले इतने नहीं उगे थे, डायरेक्ट दिखता था। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अगर खाने के लिए यहाँ पे कुछ लेके आते तुम लोग। अपन चले अपन उड़ी में खाने के लिए, अपन सोचे थे ना कि लेके आएंगे। ढीला है थोड़ा, ये लेके नहीं आया। मैं तू छोटा है भाई, तुझे तो खाने पीने का। ये बता, तू मैगी बना के ले आने के लिए बोला था ना, तो ये मुझे बोल रहा है, ये जानता है क्या बोला है, कि मुझसे इतनी प्यारी मैगी बनती कोई नहीं बना सकता, अभी तक खिलाया नहीं, 1-1.5 महीने हो रहे हैं। भाई यहाँ पे कम से कम आधे घंटे एंजॉय करेंगे, मस्त खाते चिल मारते यार। क्या यार तुम लोग बहुत ढीले हो, ढीले से याद है मेरी लेस भी खुल गई है। गाइस अब मैं जा रहा हूँ कूदने, ठीक है, तुम लोग मेरे कुछ खाने को नहीं लेके आए, मैं जा रहा हूँ कूदने। बाय बाय। ओ भाई साहब, बॉर्डर अब चल, बॉर्डर देखा, तेरे को मैं बुला रहा हूँ, इतना मानता हूँ तेरे को। ओ भाई साहब, यहाँ मैं कम से कम 1.5 साल बाद आया हूँ भाई, 1.5 साल बाद। देख कितनी प्यारी जगह है, यहाँ तक उतर। हाँ नहीं नहीं हो गया, बस तू उतना ही रहे, उतना ही रहे। कहाँ तक खिंचा है मैंने फोटो, एक ही अंकल आंटी जी का एक ही बचेगा, फिर वो भी घर कम आता है। ए देसी छत और देसी ओयो, हाँ राख सेट के देखना कितना प्यारा बना, ये देख कोयला, एक नंबर छत है भाई, ऐसा भाई ये देखो, यू नो नहीं नहीं कर नहीं पाएंगे। अरे भाई मां कसम छाया बनी, ओ भाई बेड बना है, क्या चाहिए। तो गाइस अभी अभी हमने एक जगह इन्वेंट की है, देसी ओयो, और प्लस यहाँ पे एक शानदार व्यू पॉइंट के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोओगे तो अपने रिस्क में लेटने वाले हो भाई, इसमें हमारा कोई वो नहीं रहेगा, बट हम इतना बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतना सुकून है भाई, कितना अच्छा रहेगा ना। नॉर्मल यहाँ पे ऐसे लेटो, लेट के बता पूरा, जैकेट खराब हो जाएगी, जैकेट उतार दे, कपल के साथ लेटो और फिर यहाँ पे ऐसा व्यू पॉइंट सेक्सी लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू लेटता ना, मैं बोलता छोटू ऊपर से तू लेट देख हो जाएगा कि नहीं। मेरी इज्जत खतरे में आ गई है ना। हाँ वो लिफ्ट है, एक नंबर जगह है। फूफा का फोन ही नहीं ला कर रहा है यार, फूफा का जुगाड़ है तेरा। सनसेट हो चुका, सूरज मामा गए, यहाँ पे भाई बैठे, बहुत सुकून से लगा, अच्छा लगा। अभी घर जा रहे हैं क्योंकि भाई जंगल है, बोडा की गांड भी फट रही है, इसको डर लग रही है। मेरी नहीं फट रही, तेरी फट रही है। बकचोदी मत कर, अभी तू, अरे नहीं नहीं, अभी भाई ये काउंट करा रहा था कि वो, सुन मैं बताता हूँ, अभी ये काउंट करा रहा था कि यहाँ पे शेर है, तेंदुआ है, फलाना फलाना है, और एक बोला कि एक रशियन है। रशियन कौन जानवर होता है, रशियन तेंदुआ,
रसियन तेंदुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, तो इसकी फट रही थी भाई, तो बोला कि चल चलते हैं। इसलिए मैं बोला भाई सही बात है, मेरे कैमरामैन की फट रही तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वैसे सच बताऊं, सच में भाई डरावना है, देख लो यार इधर देखो, एकदम खतरनाक लग रहा है। बोर्ड अभी आए किधर से थे? इधर से आए थे भाई। चल चल चलते हो, अदरवाइज यहाँ पे पता चले कि हम लोग तेंदुआ वेंदुओं का भाई डिनर बन जाए। चिकन डिनर उनका, उनका ह्यूमन डिनर है, ह्यूमन डिनर हो जाएगा इस बूढ़ा। अच्छा वो अपनी बाइक खड़ी है, पता चले अंकल लोग ही गायब करवा दे तो फिर हम क्या कर दे भाई। फिर घर वही होता है, ऐसे पैदल पदयात्रा होती है, घर वाले बोलते बेटा तुम्हारी बाइक खिचड़ गई, मम्मा छोड़ी हो। अरे यार जब मैं रहा करूँ साथ में, स्विच ऑफ करा करो, समझ रहे तुम बदतमीज लड़के। देख लड़की को फोन आ गया, ये देख भाई ऐसी ऐसी स्माइल भाई लड़की लड़की के फोन में ही कर सकते हैं। भाई को देखो यार, लड़की उड़की के चक्कर छोड़ दो यार, ठीक है ना, एक लड़की बटाओ ठीक ना, उसके साथ रहो। वो देख चल दूंगा बुकिंग भाई, यार तुमको शर्म नहीं आती यार, तुमको छोटू इनको शर्म नहीं आती, देख मार्केट बुला रहा है, लड़की के चक्कर में दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं। जूठी क्या लग रही है यार, भाई गॉड क्या लग रही है। अंकल थैंक यू, हाँ गाड़ी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। चलाने देखो, लेना भाई चला कि नहीं, छोटू को भाई चला ले भाई, चला ले थोड़ी दूर ना, अरे नहीं तो ब्लॉक कर ले आगे से, फिर मेरे को इतना मैं कर लूंगा ना, कोई इशू नहीं। जैसे अपनी गाड़ी देखे कितना अच्छा लगता है यार, ओला ठंड लग रही है, बोड़ा की पल्सर भाई क्या लग रही है। इसका बैक बहुत प्यारा है सच बताऊं तो, बोड़ा सेक्सी बोड़ा सेक्सी बोड़ा सेक्सी। अभी चलो यार, इसकी पल्सर बन गई, अभी सर्विस करा के आना, भक्ति है ये माँ की है ये। बिल्कुल लड़की ऐसे बैठती है भाई, चपक के। मुकेश मुकेश तेरी गर्लफ्रेंड लग रहा है, ये तेरी गर्लफ्रेंड लग रहा है। ओ भाई साहब,